जनमंच कार्यक्रम को लेकर विपक्ष द्वारा साधे जा रहे निशानों को लेकर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस की दृष्टि को ही खराब करार दिया है। ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जनमंच के कार्यक्रम से पूरा प्रदेश खुश है, लेकिन विपक्ष को सबसे ज्यादा पीड़ा हो रही है। जिस प्रकार से आम आदमी को घर द्वार पर न्याय मिल रहा है, उसके चलते विपक्ष के अंदर बड़ी बौखलाहट पैदा हो गई है और उनके मन में भी पीड़ा हो रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, विपक्ष जिस दृष्टि से जनमंच के कार्यक्रम को देखेंगे उस दृष्टि से दिखेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आम आदमी व गरीब आदमी की चिंता नहीं की। छोटे छोटे कार्यों के लिए जनता को मुख्यमंत्री कार्यालय तक भटकना पड़ता था। आज लोगों को अपनी छोटी छोटी समस्या को लेकर हमारे पीछे भागने की बजाय प्रशासन जनता के पीछे समस्या हल करवाने के लिए भाग रहा है। आज उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन विपक्ष जो है वो इसको प्रपंच करार दे रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा उनको ज्यादा पीड़ा हो रही है। जिस तरह से आम आदमी को जो है वो न्याय उसको घर द्वार के ऊपर मिल रहा है, उससे जो है वो उनके अंदर जो है एक बड़ी बौखलाहट और बड़ी मन में जो है वो पीड़ा हो रही है, और इस करके उसका जिसको शाब्दिक अर्थ जो है वो उसको गलत तरीके से जो है वो प्रचार जो है प्रचारित कर रहे हैं, तो उसके मन की जो है वो पीड़ा जो है वो उनको नज़र आ रही है। क्योंकि इनको मैं तो ये कहूँगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी जिस दृष्टि से इसको देखेंगे उस दृष्टि से इनको दिखेगा। अपने कार्यकाल में जो है वो इन्होंने कभी आम आदमी की और गरीब आदमी की चिंता नहीं की। छोटे छोटे कामों के लिए जो था वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक जो था वो लोगों को भटकना पड़ता, और हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती थी अब वो हमारे पीछे जो है वो भागने की बजाय आज प्रशासन उनके पीछे भाग रहा है, प्रशासन उनके घर द्वार तक जा रहा है और उनकी समस्याओं को जो है वो समाधान। सर, शीतकालीन सत्र अभी जो समाप्त हुआ है, तो विपक्ष की भूमिका किस तरह रही? विपक्ष की भूमिका जो थी वो नकारात्मक भूमिका रही। जो पॉजिटिव सकारात्मक भूमिका एक विपक्ष में होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के लोग जो हैं अगर सत्ता में होते हैं तो अब सत्ता की भूमिका भी भूल चुके हैं, और विपक्ष में होते हैं तो उनको भूमिका जो है वो सीखने को अभी बहुत समय लगेगा, और जनता जो है उनको काफी लंबे समय तक जो है वो विपक्ष में रखेगा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से ब्यूरो प्रमुख जितेंद्र कंवर के साथ मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।